Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Gani Mangalam Kundakundadro Jain Dharmastu Mangalam Sarva Mangal Mangalam Sarva Kalyan Karakam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Sashin Jainam Jaitu Sashin Bhitragi Dev Shastra Jevin Prati Shastra आज समाधि मरण के बारे में विशेष विचार कर समाधि मरण के संदर्भ में जैसा कि पहले बताया था अनिहार और निहार अर्थात उपसर्ग के काल में समाधि मरण और सामान्य परिस्थितियों में समाधि मरण जब कभी उपसर्ग आ जाए तो उस समय तो हमें द्रव छेद काल भाव का विचार करने का अवसर नहीं है कैसा द्रव्य होना चाहिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए क्या अपन कभी सोचते हैं कि कैसे क्षेत्र में एक्सीडेंट हो इसका कौन सोचे किस समय में हो आधी रात को हो किस दिन में हो ये भी नहीं सोचते अपन कहने का मतलब यह है कि ये अपने हाथ में नहीं है कि उपसर्ग आएगा तो द्रव क्षेत्र काल भाव का विचार संभव नहीं है लेकिन हम सामान्य परिस्थिति में द्रव क्षेत्र काल भाव का निर्णय जरूर करें आज का ये जो विषय है इसलिए महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः एक तो मरण के बारे में हम सोचते ही नहीं है दूसरी बात जब सोचते ही नहीं है तो मरण का क्षेत्र कैसा होगा सामग्री कैसी होगी कैसे भाव होने चाहिए इस सब पर भी हमारा उपयोग जाता नहीं है परिणाम ये निकलता है कि हमारा जीवन लापरवाही से व्यतीत होता है फल ये होता है कि अंत में मरण समाधि मरण रूप में नहीं हो पाता इसलिए आज की चर्चा विशेष कर रहे हैं आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व में हमने उपसर्ग के काल में समाधि मरण करने के लिए इतना बताया था कि हम मानसिक रूप से तैयारी कर लेंगे एक्सीडेंट होगा तो हम क्या करेंगे दिखा दे ना सर अचानक हम नदी में जा रहे हों और बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे अचानक हम नदी में तैर रहे हैं और मगरमच्छ यदि हमें मुंह में ले ले तो क्या हो हम जंगल में हों और कोई अजगर हमको लील जाए निगलने लगे जैसा कि अनंत धारा की कथा आती है 3000 वर्ष जंगल में भटकने के बाद 3000 वर्ष तक उसे कोई नगर का रास्ता नहीं सूझा ऐसे भटक गए इतने अधिक भटकन होने के बाद 3000 वर्ष बीत गए और एक दिन अजगर ने अनंत धारा को निगल लिया अब धीरे धीरे देखो उसके पैर टूट रहे हैं हाथ घुटने की हड्डियां टूट रही हैं और अंदर जा रही है वो अजगर के मुख में फंसी हुई है अनंत धारा इतने में ही उसका पिता जो चक्रवर्ती था बोलो वो चक्रवर्ती अपनी पुत्री को ढूंढता हुआ आ गया और उसने धनुष बाण भी चढ़ा लिए तभी अनंत धारा बोली हे पिताजी मेरे मोह में गाफिल होकर तुम इस अजगर के प्राण मत दो यदि अब जीवित भी बच गई तो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं क्योंकि जैसे ही अजगर ने मुझे मुख में लिया था तभी मैं एकदम सावधान हो गई थी और मैंने द्रव छेद कालभाव की मर्यादा कर ली थी अब मुझे कहीं नहीं जाना है जो मेरे तन पर वस्त्र है वही अंतिम है अब मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है और इस क्षेत्र से बाहर मुझे जाना ही नहीं है और कितनी अलर्टनेस रही होगी शुरू से ही कितनी सावधानी रही होगी शुरू से ही अपन तो घबरा जाए एक बिच्छू देख करके भी एक सर्प देखकर घबरा जाए और वहां वो अजगर ने जैसे ही उसका पैर पकड़ा और खींचना शुरू किया अंदर की तरफ पेट के अंदर और उसने एकदम सावधान होकर हाथ जोड़ लिए प्रभो अरहंत सर्वदेव आपकी साक्षी में हे पंच परमेश्वरी भगवंतों मैं संलेखन धारण करती हूं हम जितनी देर में घबराएंगे रोएंगे चिल्लाएंगे भागने की सोचेंगे हाथ पैर चलाएंगे लेकिन उसने संभाव पूर्वक देह का अब कैसा लगता हुआ हलाहल मौत के मुंह में जा रहे हैं और सामने पिताजी बचाने आ गए 3000 वर्ष बाद पिताजी आए हैं सामने
चाय थी तो उसका मोह बहुत हो सकता था, खुश भी हो सकती थी, महाभाग से पिताजी आ गए बचा लेंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही अजगर ने पैर पकड़े उसने एकदम पंच परमेश्वर का स्मरण किया और संलेखना ले ली। एक बहुत सुंदर कथानक है मैंने जी, ऐसे बहुत सारे कथानक आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जीव की भी कथा आती है, 10 भव पूर्व में उसके भाई ने, बड़े भाई ने, है ना, मरुभूति और वायुभूति, और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया, हाथ में रखी हुई चट्टान पटक दी उसके सिर पर, छोटे भाई के सिर पर। पार्श्वनाथ भगवान का जीव और उसके सिर पर वो चट्टान पटक दी, सिर फट गया, बिलक वहां बेहोश होकर पड़ गया, होश में आया। पीछे पीछे उसकी पत्नी आई, देखी, अरे रे मेरे पति का तो अब देहावसान होने वाला है। ये कथा मुझे बहुत मार्मिक लगती है। उस स्त्री ने रोई नहीं, देखो अपन क्या करेंगे, रोएंगे, अरे रे मेरे पति का क्या हालत कर दिया, धिक्कार है, दुष्ट है मेरा जेठ, कितना पापी है, अरे रे, और नाना प्रकार से बिलख सकती थी, रो सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में लिया, उसको होश में लाई और कहा, संबोधन दिया, हे देव, हे स्वामी, अब तुम्हारे देह की स्थिति दिखाई नहीं देती, तुम सावधान होकर के देह छोड़ो, मेरे मोह में गाफिल मत हो, अपने बड़े भाई के प्रति भी द्वेष मत लाना। कितनी जबरदस्त कथा है जैन शासन की। एक स्त्री जिसका स्वाग उसके सामने उजड़ रहा है, उसे द्वेष नहीं है, क्षोभ नहीं है, रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, बल्कि अपने पति को समाधि मरण कराया उसने, वो देह छूटकर देवगति में चला गया। क्योंकि वो देखो, यह है संस्कार का फल, यह है स्वाध्याय और संयम का विचार का फल। जैसे ही पति को घायल अवस्था में देखा और ये लगा कि अब बच नहीं सकते, गोद में लेकर बड़े प्रेम से संबोधा, हे नाथ, इस देह के मौत में अनंत बार खोटी गतियों में जाना पड़ा, इस समय पंच परमेश्वर की शरण है, तुम मेरे मोह में अथवा अपने भाई के द्वेष में गाफिल मत होना, बस अंतिम बेला है। ये जो मुनिराजों का दृश्य पीछे लगा हुआ है, अक्सर मैं इसके ऊपर एक पंक्ति कहता हूं, यहां मैं समझ लो पार्श्वनाथ भगवान का जीव जिसकी पत्नी उनको समाधि मरण करा रही है 10 भव पूर्व में, मैं उस प्रसंग में वो पंक्ति कहता हूं, अब थी रह गई थोड़े रहने की, अब थी समझे, स्थिति माने समय, स्थिति, अब थी रह गई थोड़े रहने की, जी मत कर जो छोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख हो, अक्षय अनंत सकति गोस्वामी, अक्षय अनंत सकति गोस्वामी, तो मैं सुख को न टोटो, कहे तुम बिनु कारण दुख भोग, भोग भुगतते। क्या कह रहे हैं, हे स्वामी, भोग भोगे नहीं तुमने, भोगों को भुगता है, भोग भुगत तो चाहूंगा ती घूमो, भोग भुगत तो चाहूंगा ती घूमो, फिर कर क्यों जो हो। क्या मतलब, भोग भुगतते चारों गति में घूमे हो, भोगन सौ क्यों चोटो, चोटो समझते, चोटता है, तुम भोग ली क्यों आपलित होते हो, अब ये भोग छूट रहे हैं, ये परिग्रह छूट रहा है, ये संयोग छूट रहा है, देह छूट रही है, हे नाथ, हे स्वामी, स्वरूप में सावधान हो, है? भोग भुगते तो जरा से विवाह करके बच्चों का पालन पोषण, समाज के बंधन, रिश्तेदारों का बंधन, कमाने का बंधन, अरे रे कितने कष्ट भोगे हैं,
और फिर उस तृष्णा और कमाने की मायाचारी में, छल में, कपट में, क्रोध में, तीव्रता में, कसायों में चार गति का बंधन किया, यह अनंत काल तक होगा। हे स्वामी सावधान, सचमुच कैसी स्त्रियां होती होंगी संस्कारी, पति का देहावसान होता दिखाई दे रहा है तो आकुलता नहीं की। अभी विदिशा में भी एक घटना हुई, अचानक पति का मरण मालूम पड़ गया, अब मरण बचेंगे नहीं, हार्ट अटैक आया, छोटी उम्र मुश्किल से 45-50 साल की, और डॉक्टर ने स्त्री को बोल दिया कि घबराना मत, तुम्हारे पति का अंत समय है, आपको विश्वास नहीं हुआ जैन समाज की बहू, और उसने सारी बंधन छोड़ दिए, कुछ किसी चिंता नहीं की कोई क्या कहेगा, फौरन पति का सिर गोद में ले लिया, साफ साफ संबोध दिया, हे स्वामी अब तुम्हारा हमारा वियोग होने वाला है, आप आकुलता नहीं करना, इस समय पंच परमेश्वर ही शरण है, आप मोह में मत अटकना। माने उसने खूब उसने जो सुना सकती थी संबोधन, सारे डॉक्टर देख रहे हैं हॉस्पिटल में जी क्या हो रहा, लेकिन वास्तव में ये संस्कारों का फल है। पता ना क्या है, यदि अचानक ऐसा प्रसंग बन जाए तो हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। इसके लिए अभी शुरुआत में ही कहा कि हमको पहले से ही मानस बना के रखना चाहिए कि अचानक देह छूटे तो हमें घबराना नहीं है। हमारे संयोगी साथियों की यदि अचानक देह छूटेगी तो भी हम मोह को मुख्य नहीं करेंगे, हम मोह को दबाएंगे। सिरोंजा भाई जी का आता है, सिरोंजा भाई जी का अंतिम समय आया जब, तो वे जानती थी कि ये गणेश प्रसाद जी को मेरे प्रति बहुत मोह है, ये मेरे मरण को बहन नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, तो आधा घंटे पूर्व में उनसे कह दिया कि तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, और उन्हें बाहर कर दिया और अकेले में शांति से समाधि मरण किया। कहने का मतलब क्या है, ऐसे चित्र हैं जिनके लिए पूर्व में तैयारी हो, ऐसा एक्सीडेंट हो तो क्या करेंगे, ऐसी घटना घटे तो क्या करेंगे, अचानक आग लग जाए, चारों से गिर जाए तो क्या करेंगे, तो उस सर्व काल में द्रवचेत काल भाव का विचार नहीं किया जाता, मात्र स्वभाव का ही विचार किया जाता है, और हमारी तैयारी स्वभाव की आलंबन की ही होनी चाहिए। ये तो हुई बात, उपसर्ग के काल में विचार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें बुद्धिपूर्वक द्रवचेत काल भाव का विचार करना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हम उठा रहे हैं, वो आप सुनिए। एक उपसर्ग के काल को छोड़कर समाधि मरण के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनका विचार करना योग्य है, क्योंकि इनमें कमी की आशंका समाधि मरण को बिगाड़ सकती है, समाधि मरण में बाधक हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं द्रव्य संबंधी विचार। देखो जैसे आप अपनी बच्ची का विवाह करते हैं तो पहले से आवश्यक सामग्री तैयार करते हैं, इसको कहते हैं द्रव्य संबंधी विचार। आप उसके लिए गहने, कपड़े, क्या कहना चाहिए, दहेज का बर्तन वगैरह पहले से तैयार रखते हैं, अपनी मानसिकता बनाते हैं, ये देना है, स्कूटर देना है, इसी की चीज की दिमाग में तैयारी रखते हैं, वो उस आवश्यकता के अनुसार पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अपन उसको विवाह करते हैं। ये तो दृष्टांत दिया। ऐसे ही यदि आपको समाधि मरण का विचार करना हो, निर्णय करना हो, तो आप कौन कौन सी सामग्री घर में जोड़ें, क्या क्या जोड़ें वो बताते हैं आपको। सबसे पहले आवश्यक योग सामग्री में एक लकड़ी का पाटा या तखत, घरों में प्रायः और सब सामग्री होती है लेकिन तखत वगैरह अपने अनुकूल, जैसे सादा पाटे हैं इस तरह के पाटा आदि, या एक लकड़ी का पाटा या तखत, उस पर बिछाने के लिए अंतिम समय में चटाई, वैसे तो प्रतिदिन ही आदत डालनी चाहिए चटाई का प्रयोग, चटाई ये नहीं प्लास्टिक वाली नहीं, जो सीको वाली है उस टाइप की जो आती है ना, इसको कुशासन कहते हैं, वह कुशासन मंगाकर रखना चाहिए क्योंकि वह शरीर की प्रकृति के अनुकूल है, और ये जो चटाइयां हैं ये गर्मी में शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, यदि लंबे समय तक इन पर लेटना पड़े तो इसके रिएक्शन होंगे शरीर में, फुंसियां हो सकती हैं और तमाम रिएक्शन हो सकते हैं, खुजली चल सकती है, तो इसलिए उस तरह की चटाइयां जो विशेष सीको वाली, घास वाली, अलग प्रकार की अच्छी आती है, उस प्रकार की चटाई, श्वेत शुद्ध वस्त्र, चादर आदि, ये देखने में बहुत बुरा लगता है कभी कभी, किसी का मरण होता है आप देखिए मैली कुचेली गंदी सी चादर, रंगीन चादर, जाने कितने बच्चे उस पर सो चुके होंगे, कौन कौन घर में सो चुका होगा वो ही चादर बिछा दी जाती है, लेकिन अभी आपके हाथ में पैसा है और अभी आपके पास विचार है, आप अपने समाधि मरण के नाम पर कम से कम 3-4 चादर बिछाने के लिए बिस्तर पर, या चटाई पर बिछाने के लिए, या बिस्तर पर बिछाने के लिए,
आप अपने अलग रखें सेपरेट समाधि मरण के नाम पर। आप पूछोगे तीन चार क्यों, उसका कारण है कई बार अंतिम समय में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, लार गिरने लगती है, मलमूत्र छूट जाता है, दस्त लग जाते हैं, माने ऐसी कोई भी बीमारी हो तो प्रतिदिन हमें चादर बदलनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही चादर 10 दिन 15 दिन महीना और 6 महीने पड़ी रहे, फिर उसमें कीड़े पड़ जावे, जी पड़ जावे, दुर्गंध आने लगे, माने पड़े ही पड़े खुजाल चलने लगे जिसमें, ऐसा नहीं हो। इसलिए कम से कम तीन चार चादर कम से कम गिरी हालत है सफेद वो रखें, धुली हुई रखें और ये साफ सुथरी। और घर वालों से हम निवेदन अलग से करेंगे कि यदि कभी ऐसा प्रसंग पड़ जाए तो प्रतिदिन चादर बदली जानी चाहिए मरीज की, प्रतिदिन चादर बदलकर मैली भले ही ना हो तो भी बदल देनी चाहिए। आप एक बात खुद महसूस करना, जिस दिन आप धुला चादर ओढ़ते हैं या पहनते हैं उस दिन कैसा लगता है आपको बिस्तर में, और एक 6 महीना 4 महीने पुरानी रजाई उसकी खोल धुली ना हो 3-4 महीने से तो उसे ओढ़ने में कैसा लगता है आपको, माने एक सहज एक व्यवस्था है। इसीलिए आपकी जो परिचर्या कराने वाले हों या आप किसी के परिचारक बने, सेवा करने वाले बने, तो आप ये बात ध्यान रखें कि कम से कम मरीज की चादर या समाधि मरण करने वाले की चादर प्रतिदिन बदलें। करना कुछ नहीं है, यदि कहीं दाग लग गए हो थोड़ी सी साबुन लगी जरा सी नाम मात्र की धोके डाल दें अथवा उसे निचोड़ करके ही डाल दें तो भी वो चादर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या कहें आपको, देखो घर में बुजुर्ग समाधि मरण कर रहे हो और आप उसे गंदे मेले कुचेले बिस्तर में पटके मैं कह रहा हूं रखें तो लोग आकर ये कहेंगे कि तुम्हें अपने पिताजी की कीमत नहीं है, आदर नहीं है, तुम्हें ये जो समाधि मरण कर रहे हैं इनके प्रति आदर नहीं है। हम विषय भोगों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, एक से एक कपड़े बच्चे ड्रेस बनवा लेते हैं, एक से एक खान पान करते हैं, मोटरसाइकिल पचास पचास 40-40 हजार की कितने कितने 35 हजार की 40 हजार की खरीद लेते हैं। या हम अपने माता पिता की समाधि मरण कराने के लिए धुली साफ सुथरी चादर भी नहीं रख सकते। जनरली लोगों को क्या लगता है, अब जावे वाले कहेंगे बिस्तर फेंकने पड़ेंगे यदि उनकी देह छूट गई तो नई की नई चादर फेंकनी पड़ेगी। हम फिर पूछते हैं 40 हजार का स्कूटर अपन खरीद सकते हैं, लाखों की कार खरीद सकते हैं, बिल्डिंग के मेंटेनेंस में संगमरमर लगाने में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, ज्यादा क्या कहें, हमारी लेटरिन भी सुसंस्कारित, सुसंस्कारित तो क्या कहना चाहिए, मतलब वो भी अच्छी बना सकते हैं, सब जगह पैसा अच्छा खर्च कर सकते हैं। तो हमारे माता पिता या हम या आप या कोई भी एक हिसाब से कहें तो भावी सिद्ध परमात्मा, भविष्य के आचार्य, भविष्य के उपाध्याय, भविष्य के साधु, वर्तमान में इस देह में यदि अंतिम देह छोड़ रहे हैं समझ लिए अंतिम समय आ रहा है ना, तो ऐसे समय में तो ये बहुत विचार करने लायक बात है कि उनके बिस्तर बड़े अच्छे। हम कह रहे अभी भी आप अपने घर में जाकर देखें, नया बिस्तर बनवा के रखें, अचानक जरूरत पड़ जाए तो नया बिस्तर लें। एक कारण और है, चूंकि अब मैं क्या कहूं आपको, मैंने ऐसे बिस्तर देखे जिन पर बच्चे गंदगी कर देते हैं, मलमूत्र कर देते हैं और रुई टूट गई है, रुई टूट गई समझिए पिल्ले पड़ जाते, क्या कहते हैं, माने बुजुर्ग आदमी घर के सज्जन व्यक्ति क्या कहते माता पिता या दादा दादी, और रुई के पिल्ले पड़ गए, वो ऐसी रजाई मेली कुचेली न जिस पर कभी झूल दिखाई देवे या दिखाई भी देवे तो मेली, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई घर में आए तो भी शोभा नहीं देता है और हमारी संपन्नता के हिसाब से ही शोभा नहीं देता है। हम कह रहे हैं कम से कम भले चाहे तुम 40-40, 20-20 रुपए की चादर खरीदो लेकिन वो भी साफ सुथरी। आप समझ लेना, आपने अपने घरों में जाना और बिस्तर के ट्रंक में देखना, यदि नए बिस्तर नहीं हो तो कल ही बनवा लो नहीं इसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है समझ लीजिए। माने कई बार तो ऐसे बिस्तर होते हैं जिन पर बहु बेटे सो गए हों, कोई भी आकर के सो गए हों, महिलाएं सो गई हों, जबकि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप समाधि मरण करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य लेंगे और एक ब्रह्मचारी को, एक व्रती को, एक त्यागी को सील रहित वस्त्रों में, बिस्तरों में, दूसरों के द्वारा भोग किए गए हुए बिस्तरों में ये आपके प्रयोग करने योग्य नहीं है। इसलिए आपको बिस्तर तो अपना सेपरेट रखना ही चाहिए, इसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, समझ आया ना। और ज्यादा से ज्यादा यदि देह छूटी और वो बिस्तर गया भी तो कितने का जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 200-500 रुपए का। आप पिताजी की याद में 25 हजार की कोई वो प्याग मत खुलवाना है, तुम वो 40-25 हजार की कोई धर्मशाला कमरा मत बनवाना, तीन क्षेत्रों में मत देना पैसा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको। लोग बाप पता नहीं क्या दिमाग है, खुद तो कुड़ कुड़ के मरेंगे, दुर्गंध में बुरी हालत,
और फिर उनकी स्मृति में पिताजी की पूज्य परम पूज्य पिताजी की स्मृति। तुम बाद में 50,000 1,00,000 रुपया 25,000 खर्च करोगे, अभी उनके लिए 500 रुपए का बिस्तर लेने में दिक्कत आती है। ये अब आप समझ लेना, ये जो गणित अभी बता दिया वो गणित आप ध्यान रखना, आप तो अपनी तैयारी अपने हाथों से करो। हमारे यहां तभी एक पिछले वर्ष एक सज्जन थे, बहुत बुजुर्ग थे, 90 साल करीब उम्र रही होगी, लेकिन स्वाध्याय थे, रोज आते थे स्वाध्याय में। जब उनकी ताकत नहीं पड़ती थी तो उन्होंने घर में कनेक्शन ले लिया प्रवचन का, घर में, और वहीं सुनते थे बिल्कुल दोनों टाइम। और उन्होंने अपनी लकड़ी तक अपने सामने कटवा के रख दी थी, द्रव्य का विचार कर रहे हैं, द्रव्य का, कि बाद में ऐसा ना हो कि गीली लकड़ी लेनी पड़े बरसात में या कभी कुछ, तो अपने सामने लकड़ी तक सूखी और झड़ा के एक कर रख दी, देखो बेटा जरूरत पड़े तो ये लकड़ी ले ले, और दूसरी लकड़ी मतलब नहीं, इतनी तैयारी करके गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बांस वगैरह तक तैयार, 48 मिनट से ज्यादा नहीं रखना, इसलिए बांस रखें बेटा, और कहीं मत देखना, नहीं तो बाजार में ढूंढते फिरो एंड टाइम पर, बिल्कुल 48 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना। अभी आप और सुनाएंगे ऐसे, मैंने एक से एक जीप पड़े हुए हैं भाग्यशाली, उनमें अपना भी नाम और नंबर हो, ये आप ध्यान रखना बस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, असल में अभी तो मौत के नाम से ही तो लेकिन देखो भाई, ये तो वीरों का काम है, वीरों का, ये तो वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है, ध्यान रखना है। तो अच्छी ऐसी लकड़ी वगैरह हो तैयार करा के रखना, बिस्तर तैयार करके रखना, और देखो शुद्ध वस्त्र पहनने के वस्त्र भी रंगीन नहीं रखना। देखो एक बात है, आपके भाव में कितनी शुद्धता आ रही है या कितना उत्साह आ रहा है वो आपके द्रव्य काल भाव से मालूम पड़ता है। समझ लो एक बहन की बारात आ रही है और उसका भाई मेले कुचेले कपड़ा पहन के शांति से बैठा है, तो कह रहा है भाई तुम कैसे बैठे हो, अरे से क्या फर्क पड़ता है, तो हम समझ गए कि तुझे अपनी बहन से प्रीति नहीं। यदि तुझे अपनी बहन की प्रीति होती और उसकी विवाह का हर्ष होता तो तू ये मेले कुचेले फटे कपड़े नहीं पहनता, समझ गया दृष्टान। ऐसे ही तुम्हें समाधि मरण का उत्साह हो तो रंगीन कपड़े नहीं, सादा स्वच्छ सफेद वस्त्र है। ग्रंथ जी अपने कक्ष में, ग्रंथ जी देख लो अपने कमरे में, योग ग्रंथ, समाधि मरण के योग मूलाचार, भगवती आराधना है, समाधि मरण के पाठ, कैसेट, समाधि मरण की कैसेट। कई बार क्या होता कोई सुनाने वाले नहीं मिलते, देखो आज ये बहुत बढ़िया सुविधा हुई कैसेट की, समाधि मरण के टाइम मान चलो एक आध घंटा सुनाना होता तो कोई भी सुना दे, लेकिन अब रात भर कौन सुनाए, 10-10 दिन कौन सुनाए, 1 साल कौन सुनाए, 1 महीना कौन सुनाए। इसके लिए हम आपको बताते हैं, जो प्रवचन आपको लगता है कि मुझे प्रिय है, जो भजन मुझे प्रिय है, जो सामायिक पाठ, भक्तावर पाठ, छहडाला के पाठ, जो स्तोत्र के पाठ हमें प्रिय हैं, प्रवचन प्रिय हैं, वे कैसेट अभी से सुरक्षित रखो आप, अभी से उन्हें स्पेशल रखो आप लगा करके, कि बेटा यदि कदाचित हम नहीं बोल पाए, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए तो तुम हमें अंतिम समय में सुना नहीं सको, तो ये कैसेट लगाते रहना बस। आत्मानंद जी बाबा जी की याद आती है, हम उनसे पूछते थे कि बाबा जी मान चलो आपका गला से भी नहीं बोल पाओ तो आप उस समय क्या सुनना चाहोगे, यदि आप कान से भी नहीं सुन पाओ तो उस समय आप क्या करोगे, क्या चाहोगे हमसे। बाबा जी आत्मानंद जी क्या प्रश्न किया हमने उनसे कि अंतिम समय बोल नहीं सके तो आप क्या सुनना चाहोगे, और कान काम नहीं करेंगे तो फिर हमसे क्या चाहोगे आप। मालूम क्या जवाब दिया था, कि बेटा हमारी आंखों के सामने एक उंगली दिखा देना सही कह रहा उन्होंने कहा, बेटा हमारी आंखों के सामने एक उंगली दिखा देना हम समझ जाएंगे एको हम, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, हम समझ जाएंगे बस। और सही में अंतिम समय में यही स्थिति हुई, 2 दिन की लगभग सा हो गया, अंतिम समय में कान वगैरह मंद पड़ गए, बोल सके नहीं और हाथ पैर हिलना चलना बंद हो गया, लेकिन आपो आप जमीन पर लेट गए और इसके बाद बोलना बंद हो गया, अपने अंतर में जो हो सका सो अंदर ही अंदर कर। कहने क्या मतलब है, हमारी मानसिक तैयारी पूरी होनी चाहिए, आप बुद्धिपूर्वक बढ़िया कैसे संभाल के रखो है, जो ग्रंथ आपको प्रिय हो वो ग्रंथ विराजमान करके रखो। अभी मैं एक बात और बताऊंगा बाद में इसमें, है ना, कि आप अपने बच्चों को भी समय समय पर, आपके बच्चे जैसे आप दादा दादी हैं तो आपकी क्या कहलाते हैं, पोते,
तो उनको जो भी खिलाते हो तो उनको कभी कभी झूठ मूठ, झूठ मूठ समझ गए, झूठे ही बोलो कि बेटा हमारा सिर दुख रहा है, तो उन्हें बिठा लो बगल में। अब सिरियाने बैठ के उनसे कहो बेटा दवा ना जरा, अभी दवाए, फिर उनसे कहो बेटा देखो जो पाठ तुम्हें प्रिय हो ना उनसे कहो बेटा जरा छेड़ा सुना दो, बेटा जरा छठी ढाल छेड़ा लगी बारह भावना सुना दो, छठी ढाल उंगलियों का जरा पाठ पढ़ के सुनाना बेटा। इससे क्या फायदा होगा कि आपके बच्चों में एक संस्कार पैदा हो जाएगा कि दादा दादी बीमार हो तो जल्दी दमकल में सुना, दादा दादी बीमार हुए तो हॉस्पिटल की याद आवे की बजाय छेड़ा लगा पाठ सुनाए, भक्तामर सुनाए, अरे जो आपको प्रिय हो वो सुनाए। और चूंकि आप बारम्बार उनसे वो ही सुनते हैं कि बेटा समय सार जी गाथाएं सुनाओ, नियम सार जी की गाथाएं सुनाओ, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि पिताजी को क्या प्रिय है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, वायदा में अंतिम समय में नहीं भी बोल पाओगे आप, तो वो समझ जाएगा कि दादा दादी को क्या प्रिय था, चाहे जाओ हमसे वो सुनते थे, माँ भी राशक सुनते थे, रुक जाओ भैया और कुछ मत सुनाओ हम सुना रहे हैं। ये बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए बहुत जरूरत है। माने आप अपने बच्चों को भी इस मामले में तैयार करो कि वे आपको क्या सुनाए, कौन से ग्रंथ सुनाए, कौन सी गाथाएं सुनाए और कौन सी कैसेट सुनाए, इतनी तैयारी आप करो। और क्या चीज है, ग्रंथ जी टेप, टेप टेप के मामले में ही सुन लो। आप कहोगे हमारे घर में तो टेप है, तो मैं आपको स्पेशल सलाह दूंगा कि आप उस टेप के भरोसे मत रहो, आप अपना पर्सनल टेप ले लो, समाधि मरण के लिए पर्सनल टेप समझो आप अच्छी तरह। कारण क्या है, एक टेप है घर में और आपके नाती पोतों को सुनना है वो डिस्को, अब वे फौरन उठा उठा के ले जाएंगे उसे और फिर वो गाना सुनेंगे, कहीं कुछ करेंगे कहीं कुछ करेंगे। अब बताओ, अब आप अपना प्रवचन सुनना चाह रहे हो और उसी समय वो गाना सुनना चाह रहा है, कई बार टू इन वन होता ना, टू इन वन रेडियो और वो, अब उसे कमेंट्री आ रही है तो अब वो सुनना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि प्रवचन सुन ले या पाठ सुन ले। तो इसलिए हमारी आपको सलाह है, मैं फिर कहता हूं आपको, आप मरणोपरांत भले ही 5000 मंदिर में मत दे जाना कहीं मत देना, आपको जो समझ में आए तो करना, हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी चीजें कम से कम एक टेप रिकॉर्ड छोटा सा बड़ा सा जैसा भी स्टीरियो, माने आपको जैसा पसंद आए आप पहले से अरेंजमेंट करा के रखो। अभी मैं और आगे बताऊंगा, ये कमरा अच्छा तैयार करा लो भाई, जब सोने का कमरा, डाइनिंग हॉल, फला हॉल, बैटिंग हॉल, कितने कितने कमरे बना सकते हो, एक अपना कमरा बना लो समाधि का है, उसमें बिल्कुल अपने हिसाब से माइक सेट करा लो, क्या कहलाते हैं डब्बे सुनने के, क्या कहते हैं बॉक्स डब, हाँ जो कुछ भी आप कहते हो हमें नहीं मालूम अब अपन तो समझते नहीं हो, क्या कहलाते हैं स्पीकर माइक क्या रहता है, स्पीकर है ना, छोटे छोटे डब्बे वो लगवा लो, माने आप और उसमें आपको कितनी आवाज पसंद है उतना सेट करके रखो, बिल्कुल कंप्लीट किया, पता कब जरूरत पड़ जाए। देखो अभी भी आप फायदा उठा सकते हो, कई बार आप कहते होगे साहब रात को नींद उछट गई 2-3 बजे से, फिर बस फालतू बातें सोचते रहे, नींद ही नहीं आई, अभी तो फालतू बातें हैं, मान चल उठ के नहीं बैठ सकते, ठंड के दिन है तो बिस्तर में ग्रंथ नहीं छू सकते, नहीं पढ़ सकते, तो अपन कम से कम प्रवचन तो सुन सकते हैं, तो ऐसी जगह मिलकर अलमारी के पास अपनी पलंग लगवाओ और वहीं से उसकी सेटिंग माइक की वो लगा लो सारी, क्या कहलाती हो स्पीकर की, और वहीं से अपने प्रवचन सुन लो, भजन सुन लो, समाधि मंड सुन लो, आपको कोई सुनाने वाला नहीं मिले ऐसे आलोचना पाठ प्रतिक्रमण प्रायश्चित विनय जो भी, अपनी तैयारी करके रखो, इसमें क्या दिक्कत है। अब फालतू दिमाग शैतान का घर, इतनी देर भक्तामर चले तो आप पढ़ोगे ही तो सही, बोलो हमारा कहने मतलब समझ लेना, मैंने इस और जब खाता पीता नहीं है तो कंठ में जो आहार नली वगैरह होती है वो सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने लगती है तो उसको कब घुटकने में या पानी या थ्रू घुटकने में, माने रस घुटकने में भी दिक्कत आने लगती है, तो ऐसे समय में त्रिफला का काढ़ा से बार बार दिन में 2 बार 3 बार 1 बार जैसी जरूरत पड़े उससे गले की शुद्धि करने के लिए, ये अपन ही नहीं कह रहे हैं ऐसा, उसमें भगवती आराधना में भी लिखा हुआ है कि त्रिफला का काढ़ा आदि खुल्ला करने हेतु जिह्वा चक्षु कर्ण इंद्रियां भली भांति अपना कार्य करती रहें, इसके लिए त्रिफला का काढ़ा रखना चाहिए। त्रिफला जानते होंगे, हर भेड़ा आंवला है ना, एक त्रिफला का काढ़ा रखना चाहिए। त्रिफला का पानी होता है ना पानी, उसको नितार करके आंखों की आंखें यदि अकड़ने लगती हैं, पुतलियां अकड़ने लगती हैं, चलती नहीं है,
आंख खोलने में तकलीफ होने लगे तो एक एक बूंद पानी आंख में डाल करके आंखों की शुद्धि बनाई, स्वच्छता बनाई जा सकती है। ऐसे कई काम आता है वो। और क्या चाहिए? इसलिए सौंठ, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा लेते रहना चाहिए। और अपने कमरे में ऐसे कोई फोटो समाधि मरण करते हो कराते हुए दिगंबर मुनिराज, दिगंबर मुनिराजों में आचार्यों के फोटो, भगवंतों के फोटो। खास तौर से मैं चाहता हूं एक फोटो जरूर रखना चाहिए जिसमें शरीर का चित्रण हो बिल्कुल, माने जिसमें दिखाई दे रही हो ये हड्डियां, ये क्या है इस शरीर के अंदर, ये फोटो इसका बिल्कुल अंतरंग का। बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा 8 में, है ना, वो पूरा आमाशय दिखता है, वो गुर्दे दिखते हैं, वो सब सारा वो दिखाई दे। ऐसा एक फोटो जरूर रखना चाहिए ताकि भूल करके भी इस शरीर में फिर आसक्ति पैदा नहीं हो, उसे देख लग रहे हो क्या है। नहीं, ऐसे फोटो वैराग्य दायिनी फोटो एक फोटो रखने चाहिए, मुनीश्वरों के फोटो रखने चाहिए, उपसर्ग विजेता मुनिराजों के फोटो आप अपने कमरे में लगाएं। देखो मैं आपको जो बजट बता रहा हूं, आप इस पर क्या कहें, आप लोग इस पर खर्च नहीं करते और फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं। आप मकान बनवा ही रहे चाहे तो बड़े आराम से, क्या बताएं आपको, बताओ कितने घरों में एक भी समाधि मरण के योग कमरा नहीं, जबकि उनके घर में 10-10 5-5 कमरे केवल कचरा भरने के काम आता है, कबाड़ा रखने के काम आता है, टूटी फूटी साइकिल पड़ी है, फालतू सामान पड़ा है, जाने क्या क्या सामान पड़ा है, माने फालतू सामान पड़ा है, लेकिन एक कमरा योग्य अपने लिए ऐसा बनाओ, है ना। तो इस तरह से ये सामग्री इकट्ठी करना, और साथ में ही योग्य गुरु अथवा निर्यापक, ये द्रव्य संबंधी विचार चल रहा है, द्रव्य संबंधी योग्य गुरु अथवा निर्यापक, इसकी विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। योग्य गुरु साधु परमात्मा जो होते हैं या आचार्य होते हैं, वे तो योग्य निर्यापक की तलाश करते ही हैं, योग्य गुरु की तलाश करते ही हैं। लेकिन आप भी, आपकी रुचि जिनसे लगती हो, जिनके वचन आपको समता प्रदान करते हो, जिनका दर्शन आपको समता प्रदान करते हो, शांति प्रदान करते हो, जिनकी वाणी आपको आत्मा की ओर ले जाती हो, ऐसे गुरु, साधर्मी, प्रवचनकार, समाज में कोई भी स्वाध्याय व्यक्ति जरूर ढूंढना चाहिए हमको, है ना। तो ऐसे निर्यापक की शरण और योग्य वैद्य, योग्य वैद्य मैंने आप अभी खुद देख लो कि आपकी आपके लिए योग्य वैद्य कौन है, लोकल में, स्थानीय में, या जिस स्थान पर आप मान चलो। कई बार लोग सोचते हैं साहब हम तो अब अशोक नगर में समाधि मरण नहीं करेंगे, बोले कहां जाओगे कि द्रोणागिर। अच्छी बात है द्रोणागिर, लेकिन द्रोणागिर में इतनी चीजों का विचार करना, क्योंकि आप भावुकता में समय शिखर जा सकते हो, लेकिन इतनी सामग्री में से कुछ कमी रही तो आपकी समाधि बिगड़ सकती है। योग्य गुरु भी होने चाहिए, योग्य वैद्य भी होने चाहिए। कई बार हमें मन करता हम जो चीज खा लें, तो वैद्य की सलाह लो भैया तुम अपने मन से नहीं, तुम्हें तो ये लग रहा है कब तक खाएं पिए, मर तो जान दियो, रहन दियो कुछ नहीं खाने, अब हम आओ सब त्याग, कि नहीं वैद्य की सलाह लो, अब अपने भावुकता में नहीं। वैद्य यदि कहे आप पानी लो तो आप पानी लो, वो कहे दूध लो तो आप दूध लो, ऐसा नहीं करो कि वो वैद्य जान रहा है कि अभी तुम्हारे देह में प्राण रहेंगे अभी 10-5 दिन, और तुम खींचतानी करके यदि समय से पहले तुमने चारों प्रकार का त्याग कर दिया आहार का, तो फिर सिवाय तड़पने के और कुछ नहीं होगा। अंतिम समय में विनोद भावे ने भी जैनों की देखा देखी समाधि मरण किया था, लेकिन यदि आप विनोद भावे का पढ़ेंगे तो अंतिम समय बहुत बेचैनी, बहुत तकलीफ हुई उनकी, क्योंकि फिर समझ लो आप देह हमारा शत्रु नहीं है और देह हमारा मित्र भी नहीं है, हम देह से मध्यस्थ भाव रखते हैं, लेकिन मान चलो महीना 15 दिन 10 दिन 5 दिन यदि देह में अपने को रहना है तो अपन आकुलता नहीं करें, संकलेश नहीं करें और खींचतानी नहीं करें, क्या करें पंडित जी कब तक इन लोगों के भरोसे रहें, हम तो जब सोच रहे जल्दी संकट टाले, तो जल्दी संकट मत टालो आप तो योग्य वैद्य की सलाह लेते रहो। समझ में आया ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग सोचते हैं हम क्षेत्र में चले जाएंगे समाधि लेने, वे बहुत धोखे में, क्षेत्र में भी इतनी सामग्री चाहिए। देखो एक दिगंबर मुनिराज वर्तमान में, यहां तक कि चौथे काल की बात भी है, लेकिन पंचम काल में तो कोई मुनिराज भी योग्य सामग्री के बिना समाधि नहीं लेती, तो आपको भी योग्य सामग्री का विचार करना चाहिए, भावुकता की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल, ठीक है। तो योग्य गुरु और निर्यापक की चर्चा बहुत विस्तार से हम करने वाले हैं, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे।
ये हुई चर्चा द्रव संबंधी विचार, समाधि मरण के समय में द्रव कैसी होने चाहिए, अपनी सामग्री कैसी होनी चाहिए उसकी बात, अब क्षेत्र कैसा होना चाहिए उसका विचार। समाधि मरण के योग्य ग्राम, नगर, जिन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र का चयन स्वस्थ दशा में ही करते रहना चाहिए। करो कोई दिक्कत, हम ये नहीं कह रहे कि आप अशोक नगर में ही, यदि आपको लगता है अशोक नगर में हमारे योग्य क्षेत्र नहीं है तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र, ऐसा धर्मशाला, ऐसे मंदिर, ऐसा ग्राम, ऐसा नगर आप चयन कर लो, ढूंढो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके घर में आपको सुविधा नहीं दिखती हो तो कहीं और आपको अच्छी सुविधा दिखती हो तो आप देखो, है ना। क्यों, अब ग्राम नगर की बात देखो, पंडित जी हमारे घर में तो सुविधा हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपके मोहल्ले में आपके घर के ठीक बगल में टॉकीज हो, आपके घर के बगल में ठीक जुआ खेला जाता हो, होटल हो, वहां डांस किए जाते हो, हो सकता है वहां शराब पी जाती हो सकता है थोड़ी दूरी पर वैद्यालय हो सकता है आपका क्षेत्र अच्छा ना हो, इसलिए क्षेत्र का भी विचार करने लायक है। क्यों कि देखो एक बहुत अच्छी बात बताएं, जहां दिगंबर मुनिराज ठहरते हैं या समाधि लेते हैं या एक रात को भी कहीं विश्राम करते हैं किसी कमरे में, किसी स्थान पर, किसी धर्मशाला में, तो उसके बगल वाले कक्ष में कोई वृद्ध महिला तक नहीं ठहर सकती। क्यों नहीं ठहर सकती कि आखिरकार वो रात को खांसे, खकारे, बोले, हंसे, कोई युवती, कोई महिला, तो आखिरकार उपयोग वहां जा सकता है, परिणाम चलित हो सकते हैं, विकृति हो सकती है। तो एक महिला जब इतनी रखते हैं, 9 बार सील की रखते हैं, तो हमें भी सावधानी रखने लायक, जरा में चूकते हैं परिणाम, जरा में। अरे ना से हम कह रहे हैं खोटे विचारों में, लेकिन खोटा विचार किसको कहते हैं पता है, उनके प्रति द्वेष का उत्पन्न होना, ये भी तो खोटा विचार है। नहीं समझ, ये समझ लो, एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति कमरे में है और बहुत तकलीफ है और बगल में बहुएं हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ना से और कोई विकृति थी, एक विकृति हो सकती है, कोई ये चिंता नहीं है, अपन मरे चाहे जिए, उन्हें कहा है खूब भैया खाओ कहा है ऐस करो, अरे मरे हम तो, अब जी क्या होगा, अरे जरा दया नहीं है भैया, अरे कहा बिल्कुल कहा पीढ़ी है, अरे तो अब जी क्या होगा, ये भी तो खोटी विचार है ना। तो एक काम करो, बुद्धिपूर्वक ऐसा करो ही मत, आप बुद्धिपूर्वक क्षेत्र की तलाश करो, घर में भी आप कमरे की तलाश करो, हम तो कह रहे हैं सबसे अच्छा घर कहां है जहां निरापद हो, जिसके बगल में टीवी नहीं बजता हो, आप ऐसा घर देखो, कमरा देखो, कमरे में भी जहां बच्चों के पढ़ने लिखने का स्थान ना हो, बच्चों के बहुओं के सोने के स्थान ना हो, ऐसा कमरा ढूंढो बगल का, टीवी नहीं चलता हो ऐसा स्थान देख लो, लोगों के आने जाने का मूल कक्ष नहीं हो उसके बगल में, क्यों कि लोग आएंगे, 70 के लोग आएंगे, जाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे और तुम्हें क्षोभ हो सकता है। देखो क्षोभ का कारण बताता हूं आपको, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो, आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, तो इतनी घुटन सी होती है कि कोई हंसे तो अपने दुश्मन सा लगता है, नहीं तो ऐसे समय में आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। अरे भैया देखो ये हंस रहे हैं, इन्हें ये नहीं लग रहा कि अरे देखो एक दिन तुम्हारे भी ऐसे ही आएंगे भैया, तो ये क्लेश नहीं होना चाहिए अपने क्षेत्र में, ख्याल में, इसलिए क्षेत्र का विचार करें, ग्राम, नगर, जिन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र का चयन करें, है ना, स्वस्थ दशा में ही करते रहना चाहिए। इस हेतु देखो मुनिराज तो इसीलिए देशाटन करते हैं, विहार करते रहते हैं, लेकिन श्रावक भी इसीलिए तीर्थ यात्रा करते हैं, श्रावक भी इसीलिए तीर्थ यात्रा करते हैं, कहां की धर्मशाला है, कहां की सुविधा है, कैसा है, कौन सा क्षेत्र शोरगुल से रहित है, प्रदूषण से रहित है, सब्जी क्षेत्र अच्छा है अपने लिए, बड़ी शांति है यहाँ पर। कई बार एक बात और भी होती है, समझ लो आपके शरीर की प्रकृति में बात पित्त कफ है ना, तो हो सकता है अशोक नगर का पानी या अशोक नगर का वायुमंडल आपको पित्त भड़काता हो या बात पैदा करता हो या तकलीफ पैदा करता हो, तो अब आप देख लो कि देखो भाई अंतिम समय में ज्यादा बेचैनी ना हो, इसलिए ऐसे क्षेत्र में चलो जहां पर अपने पानी अनुकूल हो, वायुमंडल अनुकूल हो, जहां पर बात ना उभरती हो, पित्त ना भड़कते हो, इस क्षेत्र का चयन करना चाहिए। क्योंकि देखो बुद्धिपूर्वक की तैयारी चल रही है, तो हमें बुद्धिपूर्वक कहीं किसी प्रकार से कोई आकुलता का कारण नहीं बनना चाहिए, ख्याल में आ रहा है कुछ, मैंने जिनवाणी में 70 की बातें हैं, देखो तो क्षेत्र में ऐसे ऐसे स्थान देख लेने चाहिए
देशाटन करते समय वहां के निवासियों की रुचि, जो व्रती त्यागी हो संयमी हो, वे क्या करें कि जैसे जिस गांव में आपको समाधि लेने का भाव है तो वहां के निवासियों की रुचि देखो। क्या कहा? निवासियों की रुचि का मतलब वे धार्मिक नेचर के हैं, संयम पालते हैं कि नहीं पालते हैं, उन्हें संयम का आदर है या नहीं। जैसे मान चलो एक संयमी आया और पूरे गांव में किसी को संयम का आदर नहीं है, तो बच्चे आएंगे और चिढ़ाते हुए चले जाएंगे, जवान आएंगे तो उपेक्षा करके चले जाएंगे, बुजुर्ग आएंगे तो लाठी देते आएंगे, कहा भाई क्या इतना ही मर गए आए हो, ठीक है फिर भी चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है यदि संयम का आदर नहीं होगा तो आपको, मैं आपको सच कहता हूं, आपको देखो ये चर्चाएं आपको अभी बड़ी सरल लग रही होंगी लेकिन हमने करीब 20-25 साल इन चीजों का अनुभव किया है, बहुत देखा है त्यागियों को व्रतियों को। 99% त्यागी व्रती तो ये बात कहते मिलते हैं, अरे जो पंचम काल है जहां धर्म की कीमत नहीं है, कोई भी धर्म को आदर नहीं है, एक खुद धर्म नहीं करा तो हम कर रहे तो हमारी कीमत नहीं है। मतलब क्या समझे कि वे चाहते हैं कि संयम का आदर करने वाले लोग मिले। तो आप जान बुझे ऐसी जगह मत जाओ जहां संयम का अनादर होता है। क्यों? मान चलो मुझे भगवान के प्रति भक्ति है और मैं जिस गांव में समाधि करना चाहता हूं और वहां के लोग चले आ रहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, फिर प्रक्षाल कर रहे, फिर ओने पौने तक की पूजा उजा करी और चलो भाई ये जय हो, तो अब आपको क्या होगा? मुझे बड़ी तकलीफ होगी, हे भगवान कैसे कलिकाल, कैसा मंदिर, कैसे लोग, क्या होगा इनका, ऐसी तकलीफ होगी। तो फिर से सुनो, जहां संयम का आदर नहीं होता हो ऐसे गांव में नहीं रहना, जहां जिनेन्द्र देव के प्रति भक्ति नहीं हो नहीं रहना। इसलिए लिखा है इसमें निवासियों की रुचि देख लो, उस ग्राम के निवासियों की रुचि, उनका समर्पण कैसा है, संयम के प्रति आदर कैसा है, गांव में कोई प्रतिमाधारी आदि कोई संयम पालने वाले हैं कि नहीं है। देखो आपको एक बात बताता हूं, बहुत बढ़िया लिखा है ग्रंथों में, असंयमी भक्तों से सावधान। क्या कह रहे हैं? असंयमी भक्तों से सावधान रहना चाहिए। गुरु को क्यों असंयमी क्या करेंगे? बीमार हुए तो संयम पालवाने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा निभाने की कोशिश नहीं करेंगे, मिल जाइए कहेंगे हॉस्पिटल चले इंजेक्शन लगवा दें दवाई दे दें, असंयम ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ही बुद्धि को सावधानियां रखनी चाहिए, जो असंयमी है और संयमी है उन संयमियों को बुलाकर कह देना चाहिए कि देखो यदि हमारे अंतिम समय आवे तो इन असंयमियों का विश्वास मत करना और तुम हमारे नियम पलवाना, हमारे ये नियम है, हमारी कोई प्रतिज्ञा टूटे नहीं, हम भले ही अंतिम समय कुछ भी आकुलित हों तो हमारे नियम मर्यादा नहीं तोड़वाना, ऐसा कराना चाहिए। आप लोगों को भी अपने घर में 5 पुत्र हैं, 4 हैं 3 हैं, देख लो कौन कौन संयम का आदर करते हैं और कौन संयम का अनादर करते हैं, कौन को त्याग के प्रति रुचि है और कौन को नहीं है, कौन भोग में प्याज खाती है नहीं खाती, ये सब देख लो आप। इससे क्या होगा कि मरते समय आप जो योग्य बहू हो बेटा हो उसे पहले कह दो बेटा अंतिम समय हम तुम्हारे हाथ, देख लो कौन कौन संयम का आदर करते हैं और कौन संयम का अनादर करते हैं, कौन को त्याग के प्रति रुचि है और कौन को नहीं है, कौन भोग में प्याज खाती है नहीं खाती, ये सब देख लो आप। इससे क्या होगा कि मरते समय आप जो योग्य बहू हो बेटा हो उसे पहले कह दो बेटा अंतिम समय हम तुम्हारे हाथ का पानी पीना चाहते हैं, उस बहू के हाथ का विश्वास हमें नहीं, उस बेटे का हमें विश्वास नहीं, हमें तेरा विश्वास है, अंतिम समय तुम जो काम करोगे हमें तुम पर विश्वास है। कहना मतलब स्पष्ट, असंयमियों को दूर रखो, असंयमी मित्रों को दूर रखो, असंयमी गांव के निवासियों को दूर रखो। क्यों? कि संयमी होंगे, मर्यादाएं जानते होंगे आगम की, तो वे पलवाएंगे। समझ आया कुछ? इसलिए ऐसी परीक्षा कर लेना चाहिए हैं? और देख लेना चाहिए उनमें भक्ति बसलता है कि नहीं, भैया वृत्ति की रुचि भावना, भैया वृत्ति की भावना है क्या नहीं है? ये नहीं तो पढ़े भैया अब सुबह जाके देख लेंगे, अब सुबह जाके देखा तो मालूम पड़ेगी नहीं, भैया वृत्ति की भावना देखना चाहिए। इसमें परीक्षा कैसे होगी? कभी बीमार हो जाए तो अब ये देखो कितने लोग पूछने आ रहे हैं, कितने लोग देखने आ रहे हैं, फिर उनमें से कौन समझाने की चेष्टा कर रहा है, कौन हाथ पैर दबाता है, कौन सिर दबाता है, बोलो। एक गांव में इतनी अच्छी घटना घटी, मैंने गांव छोटा था लेकिन अच्छे धर्मात्मा जीव थे, धर्मात्मा मैंने सामान्य ऐसी रुचि वाले त्यागियों का आदर करने वाले,
त्यागी जी आए और बीमार हो गए, और एक लड़के का विवाह हुआ और वो उनकी बारात लौटी थी, सच्ची घटना सुना रहे हैं, बारात लौटी थी, तो वो पत्नी ने उसे भेजा, उसकी पत्नी ने, अरे तुम घर में सो रहे हो और मंदिर में त्यागी जी अकेले हैं, कि तुम जा, तुम पहले उनकी सेवा परिचर्या करके आओ, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो गया तो वो त्यागी जी पूछा, रहे तुम कैसे आ गए इधर, कि साहब हमारी पत्नी की भावना है कि आज हम आपकी परिचर्या करें। अरे जिसकी जिसकी भावना होती ना उसकी बात है, वर्तमान में क्या है, अब उन्हें उठाला हुई है तो दवाई खा ली हुई है, हम क्या करेंगे दवाई नहीं खाए तो, ये उपेक्षा करने लायक नहीं, ध्यान रखना भाई त्यागी हैं और ये दवाई नहीं ले रहे, भले उन्हें तकलीफ हो रही तो भी नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उपेक्षा करें, कमेंट्स करें मरण दो हम क्या करें, बहुत जिद्दी है ये, क्या करें, जाने की जरा जी दो पैसा की दवाई खा ले शांति से सोए ना, खुद सोए और ना हमें सोनते, ये कोई बात नहीं थी आपको। अरे अभी तो क्या कहें, भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ो आप, तीव्र वेदना आ जाए, चिल्लाने लगे, यहां तक कि धक्का दे दे मैं तुम्हें, तो भी परिचर्या करना, अनादर नहीं करना, आदर पूर्वक भक्ति करना, सेवा करना, परिचर्या करना, ये बहुत अच्छी परिपाटी है। अब तो गांव में समाप्त होती जा रही है, नहीं तो पहले जमाने में अच्छा था, गांव में कोई विद्वान आए, व्रती आए, त्यागी आए, ये बेटा जाओ तुम देख क्या, बेटा तुम देख क्या, पंडित जी पानी तो नहीं चाहिए, झाड़ू तो लग गई कि नहीं लगी, भला हुआ कि नहीं हुआ, देखो बेटा कोई कमी नहीं रह जाए, ये परिचर्या करने की आदत डालते थे। घरों में भी बच्चों को बोला बोला के बहू में, बेटा दादाजी देख आओ बहुत देर हुई पानी नहीं पियो, पूछ गया, ये जो आदर की भाषा है इससे परिचर्या करने की आदत पड़ती है। और अब आजकल तो ये हो गया, अब क्या कहें, सुनाएंगे तो आप हंसोगे, हैं कि बच्चे तो सुनते ही नहीं, वे तो कहीं के कहीं जाते हैं, और बहुएं भी कह रही हैं, मैंने ऐसी कह देती हैं, कहा है पीने का पानी, चाय पीने का तैयार हो गई, सीधा सीधा है, अब तुम्हें तो पानी पीने बोल देकर हम भिजवा देंगे, क्या है? नहीं तो घर में इतना आदर हो गए, अरे पिताजी के भोजन का समय हो गया, नहीं भैया पूछो पूछो जल्दी बोला, तैयार हो गए भोजन का, बोला तो आदर के साथ, और एक ऐसे जाइए पप्पू पूछ रहे दद्दा से ये बब्बा से रोटी खाने तो खा लो जल्दी से गर्म बन रही है, अरे बोलने का लहजा समझ गया ना, लहजा बच्चों में भैया बत्ती की आदत डालने के लिए बहुत आदर से बोलो। अभी तो आपको इसमें बहुत सलाह देंगे हम आपको, बच्चों को कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति जोर से बोलने की आदत ना तो स्वयं डालो और ना बच्चों को डालने, बहुत गंदी आदत है। हम बच्चों के सामने यहाँ सिंह तेरे तो बब्बा तो जब देगा जब बस, बच्चों के बीच में आलोचना मत करो आप। देखो बच्चों का इतना कोमल मानस होता है, यदि उन्होंने दादा दादी से घृणा करना सीख लिया तो वो घृणा का संस्कार तुम्हारे साथ भी काम आएगा, क्योंकि घृणा एक बार पल गई चित्त में बच्चों के, ऐसा नहीं कि वो मुंह तोड़ जवाब दादा दादी को ही देंगे, वो आपको भी देंगे। आप यदि हमारी सलाह मानो, बहुत आपको खुल के कह रहा हूं ये बात, चाहे वो पिताजी हो या माताजी, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की और पत्नी अपने पति की कभी बुराई ना करें। होता यह है कि गुस्से में आकर पिता अपने पुत्र के सामने अपनी पत्नी यानी उसकी माता उसको गाली दे देवे, मार देवे, जोर जोर से बोल देवे, चाय से बोल देवे, अनादर से बोल देवे, तो बच्चा ये समझ गया कि माता किसी काम की नहीं। ऐसी माता जी भी गुस्सा में आकर रो रो के चिल्ला चिल्ला के और कहा करें किस्मत फूट गई ये पति पत्नी की आपसी की बात कह रहा हूं मैं आपको। देखो आप समझदार हैं, आपका तात्कालिक क्रोध दूर हो जाएगा, आपकी तात्कालिक जो भी कसाई रही हो दूर हो जाएगी, प्रेम वापस हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे समझ जाएंगे कि इस घर की संस्कृति बहुत गंदी है, बहुत नुकसान आप उठा रहे हो और उठाना पड़ेगा आपको। बहू सास है वो अपने बहू की बुराई उसके बेटे से कभी ना करे, बहू को कितना ही गुस्सा आ जाए सास के ऊपर, लेकिन सास की कमी अपने बच्चों को नहीं बताए। आपको ये बहुत छोटी बात लग रही होगी लेकिन आपके 99% घरों में तकलीफ केवल इसी बात की है, बच्चे दादा दादी का अनादर करते हैं, क्यों करते हैं? जो माता जिस बालक की माता अपनी सास अर्थात उसकी दादी का आदर दादा का आदर नहीं करेंगे तो बच्चा कभी आदर नहीं कर सकते। ये बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह दी आपको हमने,
देखो क्या कहें आपको तकलीफ में, यदि कोई उपेक्षा से बातचीत करें, बच्चे आ भी जाए कदाचित और उपेक्षा से पूछ भी लें आपके लिए, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। हम चाहते हैं आपके घरों का वातावरण इतना अच्छा हो, कभी बच्चों के सामने मत करो ये बातें, अच्छी बातें करो, कितना ही आपको बुरा लगे तो भी, जब बच्चों से कहो बेटा पापा को बुलाना चाहिए भोजन करने के लिए, बेटा जब मम्मी से कहो ये काम कर, माने बच्चों से आदर की भाषा बोलो आप। अभी हम कभी कभी यहाँ से गुजरते हैं या कभी देखते हैं और हालत इतनी लगता ही नहीं ये माता है या क्या है, कुल मिलाकर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपका परिवेश बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुएं जब कभी अपने ससुर जी को भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए, कोई बात के लिए कहें तो बच्चों के सामने बड़े आदर से कहें और बच्चों से कहें क्या बेटा दादाजी को बुला था, एक अच्छी बात है। और नहीं देख गई है जाने के लिए चले जाते हैं, अब जी टाइम रोटी तैयार हो गई जाने टाइम से खाने, फिर हमें कभी और भी तो काम है। लेकिन कौन के प्रति बोल रहे ये बात, कौन के प्रति, ये अपने बड़े बुजुर्ग हैं। देखो एक बात फिर समझो, आप बच्चों के मन में बड़ों के प्रति अनादर करना सिखाओगे तो बच्चे बड़े होकर आपका अनादर जरूर करेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया दो बार इसको, इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। चल मैं तो भैया वृत्ति करने की आदत है या नहीं बच्चों को ये जरूर सिखाएं, परीक्षा करें इसकी, इस हेतु से वहां अपना अभिप्राय व्यक्त किए बिना वहीं उनकी कभी भी परीक्षा ली जा सकती है। ये मैंने आपको एक दिन बताया था आपको कि जानबूझकर के बीमार होकर पड़ गए, समाज वाले इकट्ठे हुए, अब क्या करें, कोई तो बोले कि ये दवाई दे दो, डॉक्टर दिखा दो, अब के तो रहेंगे रात्रि में पानी पीवेगी याद हो, और जो परीक्षा हो जाएगी इसी बस, आपको रात भर परिचर्या करना पड़ेगा, कदाचित पानी की पट्टी रखना पड़े तो रात भर पानी पट्टी रखो, लेकिन पानी की बूंद मत पिलाओ, क्या क्योंकि नियम नहीं तोड़ाना, इसलिए परिचर्या करने की आदत डालना। मैं उन बुजुर्गों को भी कहता हूं वे अपने बच्चे बच्चियों अपने पास बिठाकर परिचर्या करने की आदत डालें, बिठा बच्चों बिठाओ, कभी उन्हें कहानियां सुनाओ, प्रथमान योग सुनाओ, बीच बीच में ये बेटा उंगली दुख रही है बहुत दर्द हो गया बेटा, ये डमकार मंत्र का पाठ करना बेटा, तो बच्चों को ऑटोमेटिक वो संस्कार जो है वो धार्मिकता के होते हैं। देखो आप इसे भले ये समझो कि साहब ये तो नकली है, नकली नहीं है, आज कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को धर्म के प्रति, ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए इतने झूठे स्वांग करते हैं जिसकी हद नहीं है। बच्चों सवाल बंद कर लो, आप लोगों को क्या चाहिए टॉफी, किस किस को चाहिए आंख बंद कर लो, हे प्रभु यीशु मुझे टॉफियां दो, और आंख बंद करते हैं बच्चे ऊपर से टपका देते हैं पीछे, देखो तुम्हारे यीशु ने सुन ली, देखो तुम्हारे भगवान ने सुन ली है तुम्हारी, देखो तो हमें बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डाल देते हैं, पिकनिक कराने ले जाएंगे और 20 रास्ता में गाड़ी रोक देंगे, गाड़ी बच्चों अपनी गाड़ी तो खराब हो गई अब पिकनिक करने कैसे जाएंगे, सभी बच्चों ऐसी क्रॉस बनाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे यीशु हम बालकों की मदद करो, ऐसे से बोलवाएंगे और इतने में गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। बच्चों में क्या छोटे छोटे बच्चे हो तो उन्हें तो यह संस्कार हो गया कि अरे यीशु में बड़ी ताकत है, भगवान के नाम में बड़ा बल है, तो इस तरह ये ईसाईकरण कॉन्वेंट स्कूलों को हो रहा है जन्म, हम भी अपने बच्चों को संस्कारित करें कोई दिक्कत नहीं, उन बच्चों में भी लगेगी पंच परमेश्वर ही शरण भूत हैं, जब कभी रोग हो कभी पीड़ा हो कभी कष्ट हो तो बच्चे के मुंह से नमकार मंत्र निकले। आजकल अपने इन संस्कारों को समाप्त करने की चेष्टा शुरू की है, जबकि मैं आपको अगलंग निकलंग स्वामी की कथा सुनाता हूं, जिस समय बौद्ध के गुरुकुल में पढ़ रहे थे बौद्ध मठ में, तब रात्रि में बर्तन पटके गए, खन खन आवाज करी गई और खूब आग लगाई है, जो भी उदम किया तो क्या निकली थी उनके मुंह से आवाज, जो बौद्ध थे उनके मुंह से तो निकला बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन अगलंग निकलंग दोनों के मुख से सहज निकला अरहंते शरणम पब्बज्जामि, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, चार ही मंगल है चार ही उत्तम है चार ही शरण, वो सुन लिया उन्होंने, क्यों संकट में अपने इष्ट का स्मरण किया जाता है और ये पकड़े गए। ये नहीं समझना चाहिए कि नमोकार मंत्र में कोई ग्रहित मिथ्यास है, नहीं नहीं बच्चों को संस्कार बेटा नमोकार देख बेटा सही हो गए देख, अरे वाह अब बच्चों को संस्कार पड़ेगा, मैंने आपको कभी सिर दर्द हो आप नहीं भी हो तो बिठाओ बच्चों को। देखो मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो मैं आपको बहुत सारी सलाहें दूंगा, मैं अभी
हाल फिलहाल तो ये सलाह दे रहा हूँ, बुजुर्ग माताओं को बहुत कम काम होता है घरों में। अब ये बात अलग है, वो फालतू काम ओढ़ लें वो अलग बात है, वैसे बहुत कम काम होता है। ऐसे बुजुर्ग बाबा जी को भी बहुत कम काम होता है। इनकी एक जिम्मेदारी है बच्चों को संस्कारित करना। ये अपने बच्चों को अपने पास बिठाया करें प्रतिदिन, कभी हाथ पैर दबाया करें हैं, और कभी उनको बच्चों को कहें कि बेटा मेरा पाठ तो सुनाओ आज, तो भैया बहुत सिर दुख रहा, जरा महावीर आश्रय सुनाना बेटा। अब बच्चे ने महावीर आश्रय पढ़ा, बहुत सहायता मिल गई भैया। बच्चों क्या हो गया ऑटोमेटिक, कभी कोई संकट आए कोई तकलीफ आए, पंच परमेष्टि है उनका नाम स्मरण है, कभी आपको अचानक तकलीफ आएगी तो बच्चा सबसे पहले पाठ सुनाएगा आपको। और वर्तमान में बच्चों में परिचर्या की आदत तो 99% खत्म हो गई। समझ लो पिताजी बुखार में पड़े तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा देंगे, डॉक्टर को बुला देंगे, या आपको डॉक्टर के यहां ले जाकर चेकअप करा देंगे, और फिर तो आगे की जिम्मेदारी आपकी है, आप जाओ। ये नहीं है कि पिताजी के बगल में बैठ जाए, थोड़ा सिर पे हाथ फेर दें, सीने पे हाथ फेर दें, हाथ पैर दबा दें, पिताजी को थोड़ा नमकानमन कोई पाठ सुनाए, कोई स्वाध्याय सुनाए, ग्रंथ सुनाए, कैसे जी बिल्कुल खत्म ही हो गई समझ लीजिए। अब ऐसे घरों में समाधि मन मुश्किल है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी तैयारी कर सकते हो समाधि मन की, इस तरह की तैयारियां जरूर करनी चाहिए। अपन क्षेत्र की विचार कर रहे हैं तो क्षेत्र में श्रमणोपाशक, श्रमणोपाशक माने श्रावक, साफ स्वच्छ सूने कक्ष, साफ स्वच्छ और सूने। देखो जिस कमरे में समाधि लेना है उसको सफेद रंग से पुतवाओ, रंग बिरंगा नहीं, इस्टमैन कलर की जरूरत नहीं, बहुत सारे रंग लगाने की जरूरत नहीं, कोई पेंटिंग कोई ज्यादा चित्रकारी कोई कलाकारी की जरूरत नहीं, साफ हो स्वच्छ हो है ना, और सूना हो। सूना का मतलब वहां किसी प्रकार की भौतिकवादी चीजें सुविधाएं सुख सुविधाएं, हमारी भावना तो है कि पंखा तक ना हो बिल्कुल ना हो ऐसे, और वहां पर अच्छा है ना, सूने कक्ष, धर्मशाला, जिन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, साधर्मी का घर, मन कोई साधर्मी का घर, तत्व ज्ञानियों की निकटता। सुनो अपने जहां पर आपको समाधि लेनी है उसके आसपास ज्ञान और वैराग्य बंद तत्व ज्ञानी होने चाहिए। देखो फिर कहते हैं वैरागी ही वैराग में निमित्त होंगे और रागी राग में निमित्त होंगे, ज्ञानी ज्ञान कराने में भेद ज्ञान में निमित्त होंगे, अज्ञानी भी कथा में निमित्त होंगे। नहीं हम क्या बता रहे, हमने तो आपने बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं भी पहुंचा और समाज के और सारे लोग भी पहुंचे। अंतिम समय का दृश्य है बिल्कुल, अब रात भर बेचैनी रही, पैसा उतरी नहीं, अवरुद्ध हो गई, शरीर में उष्णता बढ़ रही, गला सूख रहा है, अब जो आए सो भीड़ लगी चली आ रही है, ये भैया अरण सिद्ध बोलो, घबराहट तो नहीं हो रही, बोल। अब बेचारा वो मैं कह रहा हूँ 24 घंटा में कम से कम 2400 लोग आए होंगे, अब किस किस को जवाब देगी, घबराहट नहीं हो रही, अरण सिद्ध बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। ये तो बेचारा पहले ही परेशान और ऊपर से पूछने वाले परेशान, और मान चलो उन्होंने कछु नहीं बोलो और ओंठ भी नहीं हिले, लगा तो सुच चली गई लगातार, और वो बेचारा मैंने किस किस को जवाब दे बताऊ, और आखिर ओंठ दंत तालु सूखते हैं तो किस किस को बोले और नहीं बोले तो ये समस्या, ये लोग कह रहे हैं बोझ में है कि नहीं है, अरे भगवान तुम शांति से जीने से दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अज्ञानी होंगे तो भी संवाद पैदा करेंगे, और कितने मूर्ख अमूर्ख ही कह रहा हूं उनके सामने कह रहे हैं ये भैया भी फलाचंद जी भी ऐसी चले गए थे, जाने कागज भाई हुई है, और फिर जाने कौन कौन की कथा सुनाते उनके सामने, देख लो अब ज्यादा दिख नहीं रहे वैसे, अब लग तो नहीं रहे वैसे। मैं क्या बताऊं आपको, अभी अभी जब निर्यापक की चर्चा करेंगे तब बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं, आप ध्यान रखना बिल्कुल देना ही नहीं होगा, इसीलिए लिखा है ज्ञान और वैराग्य। अब लोगों को तो बुरा लगेगा, लियो भाई जी हम तो है ना, ऐसे तीर्थ क्षेत्र ऐसे साधर्मी का घर हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चक्कर में नहीं समाधि मरण करना है, कोई साधर्मी का भी अच्छा कमरा हो कोई मित्र, बिल्कुल नहीं, आप ध्यान रखना बिल्कुल, उनको साधर्मी वास्तव्य हो, लिखा है ज्ञान और वैराग्य सके उत्पन्न साधर्मियों की संख्या होनी चाहिए, है ना, ऐसे तीर्थ क्षेत्र ऐसे साधर्मी का घर हो कोई दिक्कत नहीं है, मत सोचना कि अपना घर में ही समाधि मरण करना है, कोई साधर्मी का भी अच्छा कमरा हो
कोई मित्र हो, संपन्न हो, अच्छा कमरा हो, उनको साधारण वास्तव हो, आप ऐसे कमरे में जाकर के उनके घर में जाकर के भी समाधि। ओम नमः शिवाय।